राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में अपरा एकादशी या अचला एकादशी की व्रत कथा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि ये सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नर्कगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गौतमी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धु प्रसुता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा के प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उनके उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धर्मय नामक ऋषि घर से गुजरे, उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयाकुल ऋषि ने राजा की प्रति प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे कहने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होगा, मनुष्य के सभी पाप छूट जाएंगे। तो बोले श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये अचला या अपरा एकादशी की कथा थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा
और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित सभी व्रत त्योहारों के वीडियो समय से पूर्व ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे ही राधे।